नमस्कार, मेरे यानी वरुण सखा जी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी अभी तक 4 चरणों में यानी 4 बार में कुल 72 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन 18 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इसका जो आखिरी दिन है वो 2 नवंबर है। आज हम 29 अक्टूबर में बैठे हुए हैं, यानी कि अगर आज अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है दोपहर तक, तो शाम तक होने से भी आज नामांकन का दाखिलान नहीं हो सकता, यानी कुल मिलाकर 4 दिन बचे हैं, 30, 31, 1 और 2। ऐसे में कांग्रेस के लिए 18 सीटों पर घोषणा आज शाम तक संभावित है। बहरहाल, आखिर क्यों रुकी हुई है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 18 सीटों की घोषणा, हम समझने की कोशिश करते हैं इन 18 सीटों के माध्यम से। इन 18 सीटों में सबसे पहली सीट है बिलहा। बिलहा चूंकि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे सियाराम कौशिक, जो कि जोगी की नई गठित जो पार्टी है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जकांछ में जा चुके हैं। इस वजह से ये जो सीट है हॉट सीट बन गई है। अब कांग्रेस के पास यहाँ एक दुविधा है कि वो अगर ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारती है तो वह कोटा में भी ब्राह्मण उतारेगी और बिलहा में भी, एक ही जिले की 2 सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट हो जाएंगे, जबकि उसने एक तखतपुर पर भी एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो मायके से ब्राह्मण है और ससुराल से ठाकुर। ऐसे में इस करीब करीब 2.5 ब्राह्मण एक जिले की 7 सीटों के बीच में 2.5 ब्राह्मण हो जाएंगे, जबकि उसमें 2 रिजर्व है, यानी कि 5 सीटों में से 2.5 सीटें आपने ब्राह्मण को दे दी। इस आरोप से बचने के लिए, इस दुविधा से बचने के लिए कांग्रेस नंबर 2 पर जो है अंबालिका साहू का नाम चल रहा था, जिनको टिकट देने की बात थी, लेकिन वो टिकट भी अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि बेलतरा से राजेंद्र साहू को उतार दिया। साहू वोटों के हिसाब से जो है जिले भर में 7 सीटों में 2 रिजर्व हटा दें तो 5 सीटों में से एक साहू को ही अधिकतम दी जा सकती है। इस प्रकार से अब नंबर 3 पर जो थी जागेश्वरी वर्मा, जागेश्वरी वर्मा लोधी समुदाय से आती हैं और उनका एक अच्छा दखल है, हो सकता है कि उनका नाम चल पड़े। बिलहा से राजेंद्र शुक्ला और जागेश्वरी वर्मा में से कोई एक नाम कांग्रेस पार्टी तय कर सकती है। बहरहाल, बिलहा इसलिए अटका हुआ है, राजेंद्र शुक्ला चूंकि भूपेश बघेल समर्थित हैं और उनके पीछे करुणा शुक्ला का भी हाथ है, जबकि जागेश्वरी वर्मा पर टीएस सिंहदेव का हाथ है, यानी उनका वरदहस्त है। अभी तक के जो टिकट बंटवारे में देखने में आया है कि टीएस सिंहदेव थोड़े से सब पर भारी पड़े हैं। अगर ऐसा फिर होता है, इन 18 सीटों पर भी होता है, तो जागेश्वरी वर्मा का टिकट कंफर्म होगा। नंबर दूसरी सीट है बिलासपुर। बिलासपुर चूंकि अमर अग्रवाल की सीट है, मजबूत सीट है, मंत्री की सीट है, और यहाँ से कुल 49 लोगों ने कांग्रेस से टिकट मांगा था। इनमें कई लोग ऐसे थे जो बहुत सीनियर थे और पूर्व विधायक भी इसमें शामिल थे और अच्छे नेता भी इसमें शामिल थे, लेकिन इसमें जो दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं वो हैं अटल श्रीवास्तव, अशोक अग्रवाल और एसपी चतुर्वेदी। एसपी चतुर्वेदी एक सौम्य चेहरा है, इनका भी कोई खेमा नहीं है, पर इनकी सबसे ठीक ठाक है। अशोक अग्रवाल पर टीएस सिंहदेव का वरदहस्त है और धनाढ्य हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, जो कि पार्टी की रिक्वायरमेंट, और साथ ही साथ वो अमर अग्रवाल के सामने एक अग्रवाल फेस के रूप में थोड़े से इस कॉम्बिनेशन फिट बैठते हैं। अटल श्रीवास्तव पर भूपेश बघेल की छाया है, भूपेश बघेल का हाथ है और अटल श्रीवास्तव को भूपेश बघेल ही टिकट दिलाने में सक्षम है। अटल जी के साथ जो है वो बिलासपुर में उनकी अपनी एक दायरा है, अपना एक पैरामीटर है, उसको बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही मॉस सपोर्टेड है या मॉस डिसकनेक्टेड है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर वो टिकट अगर कंफर्म होता है तो उनके पीछे जो है भूपेश बघेल ही नजर आएंगे। भूपेश बघेल को मैनेज करने के लिए टीएस सिंहदेव ने अशोक अग्रवाल पर अपना हाथ रख दिया है, यानी 2 में से कोई एक हो सकता है, जबकि सर्वे में सबसे आगे बिलासपुर से नाम जिसका चल रहा है वो है शैलेश पांडे। नंबर 3 की सीट है कोटा। कोटा में शैलेश पांडे और रेणु जोगी, एक तरह से लगभग लगभग ऐसा लग रहा है अभी तक कि शैलेश पांडे कोटा कंफर्म है, रेणु जोगी का टिकट वहां से कट सकता है। वो यहाँ पे 3 बार से विधायक है, एक उपचुनाव जीता, 2008 में जीती और 2013 में जीती। और ये जो सीट है वो एक इस तरह की सीट है कि यहाँ पर एसटी बाहुल्य है, लेकिन फिर भी यहाँ से जनरल और ब्राह्मण जीतते रहे हैं, और ये कांग्रेस इस सीट से कभी भी नहीं हारी। इस लिहाज से अगर देखें तो शैलेश पांडे यहाँ तो दावेदार है। नंबर 2 पर जो है रेणु जोगी है, रेणु जोगी का टिकट कटना तय है। नंबर 3 पर उत्तम वासुदेव का नाम भी अचानक से आया था, लेकिन उत्तम वासुदेव का टिकट इसलिए अभी फिलहाल में यहाँ से बहुत आसान नहीं है। यानी कोटा शैलेश पांडे, शैलेश पांडे पर टीएस सिंहदेव का भी हाथ और भूपेश बघेल का भी हाथ है, यानी
कोटा एक ऐसी सीट है जिस पर किसी को कोई दुविधा नहीं है। यह सिर्फ इसलिए रोकी गई है अगर इन केस बिलासपुर में अटल श्रीवास्तव को ड्रॉप करते हैं और अशोक अग्रवाल पर भूपेश बघेल भी तैयार नहीं होते हैं तो एन मौके पर शैलेश पांडे को बिलासपुर लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेणु जोगी को वहां से कोटा से बहाल किया जा सकता है। नंबर चार सीट है जयजयपुर। जयजयपुर से कांग्रेस के परंपरागत प्रत्याशी रहे हैं महेंद्र राम सुंदर दास। महेंद्र राम सुंदर दास यहाँ से विधायक भी रहे हैं और रायपुर में जो दूधाधारी मठ है जैतू साव मठ है उसके ये मठाधीश है। कांग्रेस इनको टिकट नहीं देना चाहती, किसी नए चेहरे को लेकर के आना चाहती है। इस दुविधा में यह सीट फंसी हुई है। वहीं इस सीट से अभी चूंकि विधायक जो है वो केशव चंद्रा है बहुजन समाज पार्टी, इसलिए कांग्रेस इस सीट पर अच्छा प्रत्याशी दमदार प्रत्याशी उतारना चाहती है। अगली सीट है लैलूंगा। लैलूंगा में जो है लैलूंगा के जो विधायक थे धर्मजीत राठिया हृदयराम राठिया वो जो है चले गए हैं जकान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ। ऐसे में सिटिंग एमएलए यानी जो हारे हुए विधायक थे वहां से उनका यहाँ से चले जाना कांग्रेस के लिए सेटबैक है। ऐसे में वहां पर सिदार लोग विद्यापति सिदार वगैरह का नाम अधिक चल रहा है पर यहाँ इस पर सहमति इतनी आसान नहीं होगी। अगली सीट है रायगढ़। रायगढ़ में चूंकि बहुत ही कठिन जटिल मुकाबला है यहाँ से शक्राजीत नायक के बेटे प्रकाश नायक भी हैं जिन पर टीएस सिंहदेव का हाथ है, दूसरे डॉक्टर राजू हैं जिन पर भूपेश बघेल का हाथ है। इसी दोनों की दुविधा में ये सीट भी फंसी हुई है। तीसरा नाम भी यहाँ पर है। तीसरे नाम के तौर पर जो यहाँ से चल रहा है उसमें राजू डॉक्टर राजू और रायगढ़ से ही और यहाँ से एक नाम और है शक्राजीत नायक के अलावा प्रकाश नायक और अर्जुन तिवारी भी यहाँ से एक नाम है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं पंडरिया। पंडरिया एक ऐसी सीट है जहां पर अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मोतीलाल चंद्रवंशी विधायक हैं जबकि हारे हुए जो यहाँ के विधायक थे वो लालजीत चंद्रवंशी हैं। लेकिन पंडरिया से जो है अभी राज परिवार से योगी राज सिंह आए हैं। योगी राज सिंह कवर्धा राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें टीएस सिंहदेव लेकर आए हैं और टीएस सिंहदेव उनके लिए अड़े हुए हैं जबकि भूपेश बघेल यहाँ से लालजी चंद्रवंशी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ऐसे में ये दुविधा में फंसा हुआ यानी जोगी यानी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की रस्सा कसी में ये सीट भी फंसी हुई है। अगली सीट बेमेतरा है। बेमेतरा में ताम्रध्वज साहू अड़े हुए हैं। ताम्रध्वज साहू के बहुत करीबी और उनके ही नजदीकी माने जाने वाले हैं आनंद छाबड़ा। आनंद छाबड़ा जो कि जिला कांग्रेस में भी हैं और आनंद छाबड़ा को लेकर ताम्रध्वज साहू अड़े हुए हैं जबकि बेमेतरा से जो पिछली बार लड़े थे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के बैनर तले घृत लहरे धैरू धैरू घृत लहरे जो कि पिछली बार करीब 27,000 वोटों से हारे थे। घृत लहरे को लेकर घृत लहरे अब कांग्रेस में है, उन्हें भूपेश बघेल बहाल करना चाहते हैं जबकि ताम्रध्वज साहू यहां से आनंद छाबड़ा को टिकट देना चाहते हैं। घृत लहरे आई इसी शर्त पर है वापस क्योंकि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच अब डिजोल्व हो चुका है और उनके पास कोई चारा नहीं था, वो यहाँ आए हैं तो उनको टिकट भूपेश बघेल देना चाहते हैं जबकि उनकी हार 27,000 वोटों से हुई थी। इसके बाद एक सीट है बसना। बसना सीट में देवेंद्र बहादुर सिंह को लेकर पेंच पर फंसा हुआ है। वो अगरिया समाज से आते हैं और अगरिया पटेल समाज समुदाय को यहाँ पर अगर दिया जाता है तो वो हार जीत की स्थिति थोड़ी सी असहज करने वाली होगी। ये भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच का एक मामला है। अगली सीट है धरसीवा। धरसीवा चूंकि एक ऐसी सीट है जो रायपुर से लगी हुई सीट है और इसमें एक बड़ा एरिया रायपुर ग्रामीण का भी आता है और यहाँ से देवजी भाई पटेल लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं जबकि इस बार किरणमयी नायक भी अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से विधान मिश्रा भी आए थे लेकिन उन्होंने वापस ले लिया अपना टिकट अपना वो समर्थन वापस ले लिया और अपनी उम्मीदवारी को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसलिए आज से यहाँ पर ये कांग्रेस फूंक फूंक पर कदम रख रही है चूंकि इस पर सीट पर कांग्रेस के बहुत संभावनाएं बनी हुई है। देवजी भाई पटेल 3-3.5 हजार वोट से जीत पाए थे, जीतते हालांकि वो हर बार आ रहे हैं। यहाँ से अंबिका यदु भी यहाँ से लगी हुई हैं जो बीजेपी से हैं लेकिन यहाँ से दूसरे जो जो रायपुर के नजदीक में जो एक शहर है नगर निगम तो उस पर उसके जो ओम प्रकाश देवांगन जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चले गए हैं वो यहाँ से मजबूती से उतर रहे हैं। ऐसे में ये सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली सीट है रायपुर उत्तर। रायपुर उत्तर सीट पर एक टैगिंग हुई पिछली बार 2013 में कि यह सिंधी बाहुल्य सीट है। सिंधियों को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही एक सीट नजर आती है जहां से वो अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। श्रीचंद सुंदरानी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे और सिंधी के नाम पर वो जीत गए लेकिन उनकी स्थिति खराब है। ऐसे में कांग्रेस वेट कर रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर रमेश वरलियानी या अजीत कुकरेजा में किसी एक को चुनने का तय कर लिया था लेकिन प्रमोद दुबे जो कि रायपुर के महापौर हैं वो इस सीट से अड़ गए हैं चूंकि प्रमोद दुबे एक ऐसी शख्सियत हैं जिसने अभी तक 7
चुनाव लड़े हैं, पार्षद से लेकर के मेयर तक के, उनमें से एक भी चुनाव वो हारे नहीं। उनका ये दावा है कि मुझे उत्तर से अगर उतारा जाएगा तो मैं ये सीट किसी सूरत में नहीं हारूंगा। और प्रमोद दुबे सीनियर भी हैं, उनसे जूनियर विकास दुबे को, विकास उपाध्याय को टिकट मिल चुका है, दूसरी बार मिला है राजेश मूणत के खिलाफ, पश्चिम से, रायपुर पश्चिम से। ऐसे में प्रमोद दुबे इस बात के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुके हैं कि उन्हें टिकट क्यों नहीं, जबकि उत्तर या दक्षिण से लगातार नाम चला। दक्षिण से जो दूसरा नाम चला रुचिर गर्ग जी का, रुचिर गर्ग जी जो कि जर्नलिस्ट रहे हैं, एडिटर रहे हैं नवभारत के, उनका नाम चला। और रुचिर गर्ग वहां से दक्षिण से लगभग लगभग उनका नाम चल रहा है कि वो बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में प्रमोद दुबे को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और प्रमोद दुबे को तुरंत दिल्ली बुलाया गया, इसलिए सीट रुकी हुई है। अगली सीट रायपुर दक्षिण, ये भी इसी वजह से रुकी है, चूंकि कई सीनियर और वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि वो कांग्रेस में इतने समय से हैं और उन्हें ही मौका मिलना चाहिए, जबकि पार्टी यहाँ से रुचिर गर्ग को उतारना चाहते। रुचिर गर्ग राजनीति के मामले में अनुभवहीन है, जर्नलिस्ट रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल खांटी और व्यवहारिक राजनीति है उसमें संभवतः उनका कोई अनुभव नहीं है। अगली सीट है कुरूद। कुरूद में लेखराम साहू राजेश चंद्राकर के बीच में एक पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। लेखराम साहू कांग्रेस टिकट नहीं देना चाहती, ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। धमतरी में गुरमुख सिंह होरा है। गुरमुख सिंह होरा को लेकर के अभी ऊहापोह है दोनों में। टीएस सिंहदेव गुरमुख सिंह होरा को पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि भूपेश बघेल गुरमुख सिंह को लेकर अड़े हुए हैं। संजारी बालोद में भाई राम सिन्हा जो है, ये बहुत आसान सीट है, इसको रोकने के पीछे कोई वजह नहीं है, सिर्फ इसलिए रोकी गई है ताकि अगर किसी को यहाँ से वहां शिफ्ट करना पड़ा तो ये सीट काम आएगी। गुंडरदेही जहाँ से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चले गए, कांग्रेस के विधायक आर के राय पूर्व डीएसपी थे और कांग्रेस में शामिल हुए, तो गुंडरदेही से विधायक हैं। उन्होंने जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का दामन थाम लिया था और अब वो अहिवारा से, गुंडरदेही से, वो स्वयं जकांच के प्रत्याशी हैं। ऐसे में इस सीट से बहुत, इस सीट पर बहुत रार चल रही है और कांग्रेस इस पर बहुत विचार कर रही है, इसलिए सीट रुकी हुई है। अगली सीट है वैशाली नगर। वैशाली नगर से अभी फिलहाल में विद्या रतन भसीन भाजपा के विधायक हैं और यहाँ से भजन लाल निरंकारी एक बार विधायक रह चुके हैं। भूपेश बघेल जो है भजन लाल निरंकारी को टिकट देना चाहते हैं, जबकि टीएस सिंहदेव यहाँ किसी और को उतारना चाहते हैं। वहीं भाजपा ने विद्या रतन भसीन को भस्काने की यहाँ से कोशिश की है। वहां सरोज पांडे के भाई राकेश पांडे की बात चल रही है। बहरहाल भाजपा ने भी यहाँ पर भी घोषित नहीं किया है। इस तरह से 18 सीटों में जो अभी नतीजे अभी हमारे सामने हैं उनमें ये है हालत कि कांग्रेस अभी इनकी घोषणा आज शाम तक कर सकती। बहरहाल इनकी जो वजह है रुकने की वो ये है। अगर आप और अच्छे समझना चाहते हो तो और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि इनमें से कितनी कांग्रेस के पास है और कितनी बीजेपी के पास है, ये भी एक आंकड़ा है। बहरहाल ये 18 सीटों में कांग्रेस कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहती जिससे उसे चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़े। इसका समाधान आज शाम तक निकाल लिया जाएगा। राजनीतिक और चर्चाओं, परिचर्चाओं, राजनीतिक और बाकी विश्लेषणों के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वरुण सखा जी @YouTube.com। आप यूट्यूब के वरुण सखा जी के चैनल पर जाकर इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.